अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों ये हमारा मिनी जू चैनल है। आप इसको लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अल्लाह दोस्तों आज हाफिज। चुन्नू मुन्नू को हमने खाना पहले डाल दिया, क्योंकि ये ऊपर आते इतना शोर डालती है ना, कानों में इनकी आवाज़ लगती है, तो इस करके ने इनको पहले डाल दिया। चलो आप ठीक रहो। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद मेरा दिल है कि सबसे पहले हम रैबिट्स को खोलते हैं, क्योंकि रैबिट्स जो है ना बेचारे बड़े मासूम से होते हैं ना, उनके लिए खाना पहले रखते हैं, उनको खोलेंगे। किधर रख देते हैं, ज़रा दूर दूर रखते हैं ना, ताकि आपस में लड़ाई भी ना करें। तो अब सबसे पहले हम खोलते हैं रैबिट्स को। चलो शाबाश, आ जाओ। माशाल्लाह खुश हैं। पहले खोल दिए ना, आपको ये इनको डिस्टर्ब नहीं ना कर रहा, तो इस वजह से ये खुश हैं। इतनी सी बात होती है, इतना शोर डालते हैं। आप खाने ने पहले डाल दिया, आप बिल्कुल चुप हो के बैठे हुए हैं कि देखें कैसे लाइन में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत। तो हमने पहले रैबिट्स को खोल दिया था, वो मज़े से सुकून से खा रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं उनकी हो रही। तो अब इसके बाद हम बाकियों को खोलते हैं। अब इसके बाद हम पहले खोलेंगे जी डग्स को। डग्स और ये जो है ना, अच्छा दोस्तों ये जो हमने नई वाली डग्स लेके आए ना, बड़ी वाली, इनकी आवाज़ अजीब सी हो। अच्छा, और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इनकी आपस में फ्रेंडशिप भी हो गई है, ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली, कोई आपस में लड़ाई नहीं कर रही, इकट्ठी रहती है। ये ठीक हो गया, वैसे ठीक हो गया। चलो जी मज़े करो, एंजॉय करो। अभी हमने पिजन्स को भी खोलना है दोस्तों। अब हमने इनके बर्तन और बढ़ा दिए खाने में, ताकि आपस में बस लड़ाई ना करें, और दूर दूर भी रखते हैं। आजो आजो, खा लो खा लो खा लो खा लो मज़े से। देखिए तीन तो हमने सिर्फ रोटी भिगो के रखी है, तीन बर्तन, और बाकी भी सब कुछ है। खैर जो मुझे रोटी तो डाल लेने दो, क्या हो गया? ये मैं रोटी डालूं। ये अच्छा दोस्तों, अब बारी है पिजन्स की। पिजन को खोल देते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, अब हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़्यादा हो गए हैं, और कलर इतने इतने प्यारे कलर के हैं। आजो बाहर आजो दोस्तों। अब आहिस्ता आहिस्ता पिजन्स जो है ना, वो बाहर आ रहे हैं। बाहर ज़रा घूमने फिरेंगे ना, फिर आपको दिखाता हूँ जो नए वाले पिजन्स लाए हैं, वो इतने प्यारे लग रहे हैं। सिल्वर कलर में और ब्रोंज सा कलर है, ब्रोंज थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ब्रोंज सही है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी जो एक फीमेल है, अभी तो मेल बैठा हुआ है, वो देखें वो ऊपर बैठा हुआ है, ये अंडों पे बैठा हुआ है। तो महल तीन चार अंडे हो गए शायद। तो दोस्तों वैसे बड़ी मज़े की बात है कि हमारे पास बड़ी जल्दी अंडे भी इन्होंने दे दिए हैं, और बैठ भी गए हैं, या इनको जगह पसंद आ गई है। ये ऊपर वाला देखें ज़रा दोस्तों, ये देखो ज़रा कैसे ये डांस कर रहा है, ये वाला। ओए चल पीछे, नीचे महल तीन अंडे नज़र आ रहे हैं, नज़दीक नहीं जाता, बहुत ज़ोर से पर मारते हैं ये पिजन जो है ना, बहुत ज़ोर से मारते हैं, ये चोंच भी मारते हैं और पर भी मारते हैं। तो महल में
नज़र आ रहे हैं नीचे अंडे पड़े हुए। ये जो हमारी मुर्गी है ना, ये स्किन कलर वाली, ये जो है अभी भी जो है ना ये ठीक नहीं है, देखें सो रही है। तो इसको एक दफ़ा मेडिसिन और दे देता हूँ, 3-4 दिन देखते रहो ना रेगुलर, तो फिर ये ठीक हो जाती हैं, ये फिर बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको अभी मेडिसिन देता हूँ मैं। ये दोस्तों ये वाली जो है ना, इसको हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी ताकि जो है ना ये ठीक हो जाए। और इसका सारा पोटा भी खाली है, इसने खाया हुआ भी सही तरह नहीं है, क्योंकि बीमार हो तो फिर जानवर हो या परिंदा हो फिर खाते कुछ नहीं है। तो मैं अभी दोस्तों दवाई डाल दी इसके मुंह में, कि देखो ना कुछ बीमार बीमार, पता नहीं क्यों इनको ऐसा हो रहा है। सारे एक एक दो दो दफ़ा होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, खुद ही फिर दवाई देता रहे तो फिर ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ये वाला जो बड़ा सा हमारा था ना शावर के लिए, डॉग्स के लिए, हमने बिल्कुल खाली कर दिया, हमने कहा अब इसमें पानी डालना ही है, लेकिन फिर वो बड़ी वाली डॉग आ गई हैं तो हमने फिर डाल दिया कि चलो ये नहा लेंगी। तो देखते हैं, पानी भी भरा है कल, बड़ी मज़े से नहा भी रही थी, तो हम देखते हैं ना अगर नहाती रहेंगी इसे यूज़ करेंगी तो फिर ठीक है, अगर नहीं करेंगी फिर इसमें से पानी निकाल देंगे। और दूसरा दोस्तों हमने सब हम पूरे जू में रात को ना हमने स्प्रे भी किया है कि मच्छर वगैरह या कोई और ऐसी जो होती है ना छोटे डेंजरस किस्म की कोई भी चीज़ें जो होती हैं जिनसे परिंदों को नुकसान पहुंच सकता है या मच्छर फैल सकता है, हमने वो सारी मेडिसिन रात को खूब पूरे जू में फैलाई है। आज फिर सूरज तो सही ज़बरदस्त आ गया है, लेकिन अभी तो बहुत सुबह का टाइम है तो इतना फील नहीं हो रहा, हवा भी आज चल रही है, तो देखते हैं क्या बनता है आज। अभी सुबह का टाइम है, परिंदे भी सारे बर्ड्स बड़े खुश हैं, रैबिट्स भी डॉग्स भी सारे, ये देखें सारे बड़े खुश हैं मज़े से। तो दिन को देखते हैं कितनी गर्मी होती है, फिर उस हिसाब से सोचो इनकी को थोड़ी सी मेडिसिन थोड़ी सी और इनकी गर्मियों के हिसाब से करूं, ताकि ये जो गर्मी इनमें जिसमें पानी की कमी हो जाती है ना वो पूरी हो जाए। दोस्तों ये बताना कि आपको कैसे लगे हैं हमारे नए बर्ड्स हमारे जू में आके, ठीक है लाजमी आपने बताना है। और इतने ये खुश हैं, उड़ते उड़ते उधर जाएंगे उस तरफ जाते हैं, उड़ते उड़ते इस तरफ आते हैं, हैं बड़े बहुत खुश हैं। तो अब ना ये दो बायर आ गए हैं जो कल नए वाले लाए ना, एक ये सिल्वर टाइप है और एक ये है दोस्तों ये वाला जो ऊपर बैठ के ये खा रहा है ये वाला। इनका भी बताना है कि कैसे लगे आपको, खूबसूरत हैं या नहीं है। दोस्तों हमने फिश को भी खाना डाल दिया सुबह सुबह, अभी फिर ठहर के सेकंड टाइम फिर डाल देंगे इनको भी। आज इस हमने सोचा है कि एक्वेरियम जो है ना ये हमारा, इसकी सफाई भी करेंगे क्योंकि फिर मैला हो गया। दोस्तों मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ अभी, ये देखें ये जो ग्रे वाली चल के आ रही है ना ये वाली, ये फीमेल है जो अंडों पे बैठती है। अच्छा मुझे इस बात का नहीं पता था, अच्छा ये अब आ गई है नीचे और मेल जो है ना वो जाके अंडों पे बैठ गया अंदर, मतलब अपनी अपनी बारी में ना कभी मेल बैठता कभी फीमेल बैठती कभी मेल कभी फीमेल, इस तरह अपनी अपनी बारी पे जाके अंडों पे बैठते हैं। मैं क्या देखो अल्लाह ताला ने कैसा इनमें सेंस रखा हुआ है। मुर्गियों ने ना कोई अंडे नहीं दिए, पता नहीं क्या बात है, शाम को देंगी या दोपहर को देंगी, मैंने सुबह सुबह सबको जाके देखा लेकिन कोई भी अंडा नहीं था। पिजन दिखाते हो ना ये खड़े होकर ना अजीब से हरकतें करता, देखना ज़रा आप ये वाला देखे ज़रा हिलता रहता है, ज़ोर ज़ोर से हिलता रहता है, ये देखे गर्दन को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है जैसे कोई खड़ा होके डांस नहीं कर रहा होता है, इस तरह कर रहा होता है।
दोस्तों वो देखो कितने मज़े से चिड़िया आके ना वो भी साथ खा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आते हैं ना और परिंदे भी आके यहाँ से खाते हैं ना। और गर्मी भी अब बहुत है ना, तो यहाँ पे पानी वगैरह भी काफ़ी पड़ा हुआ है तो पानी भी पीते हैं। कई दफ़ा मेरे पास कैमरा नहीं होता, दिखा नहीं पाता, लेकिन तकरीबन सारे जो है ना परिंदे आते हैं यहाँ पे आके, यहाँ से पानी पियेंगे, खाना खाएंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। तो वो देख दीवार पे बैठी हुई है, सिर्फ मेरा वेट कर रही है कि मैं जाऊँ। वो डरती है ना थोड़ा सा, मैं जाऊँ तो फिर वो खाना शुरू करेंगी। दोस्तों दुआ करें, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। ये वाली हमारी जो मुर्गी है ना, अब इसे 2-3 रोज़ से मैं दे रहा हूँ, मेडिसिन भी दे रहा हूँ, तो ये भी ठीक नहीं हुई, तो अल्लाह करे ठीक हो जाए बस। दोस्तों अब माशाल्लाह से पेट भर के सारे खाते हैं। ये देखें अब खाना, उसका दाना भी पड़ा हुआ है, वो रोटी भी इतनी ज़्यादा ला के 3 प्यालों में इतनी डाल दिया कि अब इनसे ज़्यादा खाए नहीं जाता, छोड़ देते हैं। मतलब ये पेट भर के खाते हैं। तो मैं भी कहता हूँ चलो ठीक है, वक्फे वक्फे से ना, जैसे छोटे बच्चे नहीं खाते तो हर थोड़ी देर के बाद खा रहे होते हैं, हर थोड़ी देर के बाद, तो ये भी इसी तरह करते हैं। अब ये देखें रैबिट फिर आ गया, खा के गया था, फिर दोबारा आके खा रहा है। तो चलें अच्छी बात है, इनका पेट भरा रहता है हर वक्त। अब ये फिर दोबारा आके छोटी वाली डग्स फिर खा रही हैं। ये देखें जी, शहजादा और शहजादी, हो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती है, हैं क्या म्याऊं म्याऊं कर रहे हो? ये देखें ज़रा खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं और बाकी डर ही जाते हैं बेचारे। ये देखें कल तो इन्होंने मुझे बहुत रात को डराया ना, मैं ऐसे लगे जैसे सांप की कोई आवाज़ होती है सूं सूं की, तो मैं देखूँ कोई भी नहीं, सब तरफ ढूंढा कोई नहीं, फिर देखो ये निकाल, अब मुझे फिर समझ आया अच्छा ये आवाज़ें निकाल रही हैं, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम इनको लेके आए हैं ना। फिश इतना गंदा हो गया हुआ है, पता नहीं क्या बात है, कुछ दिनों में ही इतना गंदा हो जाता है। हालांकि पानी भी 1-2 दफ़ा चेंज किया, उसके बावजूद फिर भी बहुत जल्दी गंदा होता है। अभी हम इसकी सफाई करेंगे। दोस्तों सबसे मुश्किल काम जो है ना ये की और ये हम साफ करना, इस पर बड़ा टाइम लगता है, फिर मछलियों को शिफ्ट करो तब जाके ये साफ होता है। बाकियों का इतना मसला नहीं है, बाकियों का तो बस टाइम नहीं लगता। ये सारे दोबारा से खाना खा रहे हैं, शाम वाला खाना फिर उन्होंने शुरू किया हुआ खाना। कुछ इधर घूम फिर रहे हैं, कुछ उधर गए हुए हैं, बस सब तरफ। वो देखें नई जो हसीना आई है ना, नई हसीना इधर पहुंची हुई है घूमने फिरने। दोस्तों हमने ना इस एक्वेरियम को खाली कर दिया ताकि कुछ दिन ये सूख जाए बिल्कुल, फिर देखते हैं अगर सही रहा तो फिर इधर फिश रखेंगे। अभी हमने जो है ना वो शिफ्ट कर दी हैं इस वाले में, पंप वगैरह सब कुछ इधर लगा दिए, एयर पंप भी लगा दिया है, शावर भी लगा दिए, इधर लगा दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है ना तो वो बहुत गंदा सा हो जाता है, इस वजह से हमने फिलहाल जो है ना इसको खाली कर दिया। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।